अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो जी? सोने सोने प्यारे प्यारे ते मनमोहने मनमोहने बहन भाई हो, ठीक ठाक हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह, रुक ना जाओ, काम भी करती रहो ना साथ साथ। मैं अंदर जाऊंगी। मेरा पसीना से नीचे जूतों से मेरा पसीना निकल रहा है। काफी सारा सामान हमने यहाँ पे रखा था और आज हम कुछ और भी लेके आए हैं। तो ये मैं खोल लेती हूँ यहाँ से दरवाजा। नीचे ख्याल करना, कप पड़ा हुआ है। इसके अंदर हम कुछ सामान रखेंगे ऐसे ना। अग है कौन से थी तुम? हमारा चूल्हा भी माशाल्लाह से काफी खुश्क हो चुका है। हाँ, तो मैं दिखाती हूँ अभी चूल्हा, और ये देखें कितना खूबसूरत अब लग रहा है। इसको मट्टी लगाई है ना। जिसने शादी के लिए ढोल वो करवाना है, बुकिंग करवानी है, तो करवा लें। ये देखें जी, ये चूल्हा हमारा माशाल्लाह से काफ़ी सारा खुश्क हो चुका है, और कुछ बाकी जो है वो अभी खुश्क होने वाला है। ऊपर से ना थोड़ा सा रह गया। मैं कर लेती हूँ दरवाज़ा बंद। हाँ, शादी के बाद बंदा वैसे ही ना शुरू में तो वो बड़ा खुश होता है कि मैं मेहंदियाँ लगाऊंगा, लड्डू खाऊंगा शादी के। तो बाद में जब शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं, अगर औरतें अच्छी हो ना तो शादी अच्छी बन जाती है। हाँ, बस कर दो तो वो ऐसे ही फिर बाद में जैसे ये रोना रो रहा है ना, वैसे रोते हैं। हाँ, फोसियो जो लगा रहे हो, कह रहे हो कि किसी को हर इंसान को लगा खुश नहीं, अभी तो कहा है कि वो फोसिया लगाए। मैंने अपना नाम थोड़ी कहा, भाई का नाम, अपने वीरन का नाम कहा। हाँ, तो ये थोड़ी सी बाकी वो भी बंद कर दे वाला वो गला भी। हाँ, मैं करती हूँ अभी। चारपाई छांव पे रखो और अपना काम स्टार्ट करो। आपने छांव पे रखो, फिर आप लेट जाओ, मैं अपने काम शुरू कर दूं भाई। जल्दी चार पे छांव पे रख दे बस। क्या मतलब? मैंने अभी झाड़ू लगाना है यहाँ पे, पता है? छांव पे रखवाने का मकसद क्या है? चारपाई धूप में पड़ी है, वो खराब हो जाएगी, ये ना रस्सियां टूट जाएंगी, पता है? इसके कहने का मकसद ये, आप लोग गलत समझ रहे हैं कि ये छांव पे रखवा के लेट जाएगी। लेकिन बात यही है जी। नहीं, आप वो उठाओ सामान लेके इधर ऊपर से खड़ा था, नहीं पे खड़ा था, नहीं रंग तो वहां पे रख के आई हो, फिर मैं यहाँ का क्या काम करूंगा? वो आप जाले लगा लो ना, जैसे भाई कह रहे थे जाले लगाओ। जालिया मैं लगा लूंगा, लेकिन ये है कि इसको पहले सफा करना पड़ेगा। नहीं, जाले लगाओगे किससे? सीमेंट से? हाँ। तो यहाँ पे पहले मट्टी क्यों लगाई है फिर इसके ऊपर? उन्होंने लगाई है ना बच्चों ने, यहाँ गारा निकालना पड़ेगा। लो, ये हाल है इसके। गारे से भी लग जाएंगे क्या है? गारे से लगा देंगे बस। गारे से लगाओ, आपकी मेहरबानी। बस इसमें क्या है, आज यही लगा लो फिर। जैसे ये गारा बना हुआ है ना, ये बना पड़ा है, लगा दूंगा, गारे से लगा देता हूँ बस। हाँ, तो फिर मैं बाद में पेंट भी ले आती हूँ। अभी वो खुश्क तो नहीं हुआ चूल्हा हमारा, गीला पड़ा हुआ है, तो बाद में देखेंगे। उसको छोड़ दो आप, वो बना हुआ है, रेडी है चूल्हा। आप बस वो ले आओ, रंग ले आओ, फिर मैं इसको शुरू करूँ। घड़े भी वहाँ पे रखूँ, इसको जल्दी जल्दी तैयार करें, उसको भी पोछा सोछा लगाऊँ, मैं दरवाजे को भी पेंट करूँ, तो बाकी काम शुरू करें। जल्दी करो, प्रात आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे, लक्ष्य करें हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है हमारे देखने में जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो जिस दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी दिनों बाद मैं कह रही हूँ। तो चलें अभी करते हैं काम स्टार्ट। वो पेंट जो है मैं उधर से ले आती हूँ, फिर ये काम करना स्टार्ट करता है, और फिर मैं जो है थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इस हमारी संदूक के अंदर क्या क्या खजाना मौजूद है। इसमें बहुत ही बड़ा खजाना है, समझें, ऐसा समझ लें कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जो कमाई है ना, वो उसके अंदर मौजूद है। तो अभी आप, और ये संदूक है कब की, ये मुझे बताओ। ये संदूक है मेरे ख्याल में जब मेरे अब्बू की शादी हुई थी, ये तब की संदूक है। अब्बू यहाँ बैठे हुए हैं बाहर, तो अगर अब आ जाए ना, अंदर आएंगे तो फिर मैं आपको बतवाऊंगा, उनसे पूछवाऊंगा। ये देखिए हमने कितनी संभाल के इसको रखी, मैं अपने अरहम को ये दूंगी अब। ओए होए, ये जल्दी पूछती जाएगी।
वो आ गया, वो आ गया, वो आ, देखो वो देखो, वो देखो आराम है, वो देखो, हाँ वो आ गया, आ जाओ आराम, उधर कैमरा करो ना, उधर आओ आराम। ये हाल है, अक्कल तो नहीं है कुत्ते को बेटा बना। खजाना मेरा इधर इधर से आओ, छुप छुप के आओ, खजाना जो है ना वो डायरेक्ट नहीं दिखाना, छुपा छुपा के दिखाना। बस करो, ऐसी फजूल चीजें पड़ी हुई है इसमें। क्या इधर इधर से आओ, इधर से आओ, पहले मैं देखूंगा खजाना, फिर उसके बाद। मैंने तो रखा था, मुझे नहीं पता क्या, पहले मैं देखूंगा खजाना इसमें क्या क्या मौजूद है, फिर आप सबको दिखवाऊंगा। कमाल की चीज, गोलियों का वो स्टोर बना हुआ है, ये दवाइयों का स्टोर है। तीन चार लाख रुपए की तस्वीर आपकी अबू की। ये देखो मैंने यहाँ पे रखी थी, ये काफी वहाँ पे ना जब थी ना वो खराब हो गई थी, फिर मैं ले आई थी इधर, मैंने कहा इसको ना मैं संभाल कर रखूंगी, ये फट ना जाए। ऐसे फजूल कह रहा है, निकालते हो क्या? नहीं। चलो जल्दी करो, काम भी करना है। समीना की तस्वीर, आईडी कार्ड की। इसकी पैदाइश है जी, इसकी पैदाइश देखें, 1903 तारीख, दूसरा महीना। मेरी बात सुनो, ये मेरी डेट जो है वो सही नहीं है। ये ना बस वो पहले जमाने के जैसे ना पढ़े हुए नहीं थे अम्मी ना अबू मेरे, तो उन्होंने ना स्कूल में मुझे दाखिल करवाया था, तो जो मैडम थी स्कूल की, उन्होंने ना अपने मतलब अंदाजे से मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिखी थी, तो वही डेट ऑफ बर्थ अब चलती आ रही है। तो अब पता नहीं, अल्लाह जाने, मैं मेरी थोड़ी लिख दी है या ज़्यादा लिख दी है। ये आपकी जो एज है ना वो लिख दी है उन्होंने, थोड़ी अभी पास कर दो। 91 की पैदाइश है, आपको लिखनी चाहिए थी यहाँ पे उन्होंने 1980 की पैदाइश। हाँ बल्कि यहाँ पे लिखनी थी 1947 की पैदाइश, पाकिस्तान बनने से। ये चूल्हा हमारा कल जो हमने खाना वगैरह बनाया था वो चूल्हा वैसे ही हमारा बना पड़ा है, तो अभी ये ऐसे फजूल लगा रहेगा। ये देखो ये है वो, ये याद है हमारा दूसरा घर था तब हमने ली थी, सारा बर्बाद कर दिया आप लोगों ने इसको। चलो आप पेंट ले आओ, जल्दी से स्टार्ट कर दो करना। मैं लेने जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही लेने के लिए। तो ये सुबह भी यहाँ पे पेंट लेके आया था, ये पड़े। मेरी बात सुनो, आप ये सुनो कि मैं लेके आया हूँ, कुर्सी भी मैं लेके आया हूँ, आप सिर्फ एक बोतल पानी की लेके आई है, मैंने कहा था सामान उठा लो, उठा लो सामान, आपने मेरी बात। तो ये पेट्रोल है, ये ख्याल करो, पेट्रोल नहीं मिट्टी का तेल है। हाँ तो इसको ना पेंट में हम मिक्स करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा पेंट जो है वो थोड़ा सा बच जाएगा, क्योंकि वो काफी महंगा है ऐसे ना। नहीं जो पेंट होता है ना वो होता है, नीचे तो ना गिराओ, वो होता है गाढ़ा, पकड़ लो उसको, पतला करने के लिए ना मिट्टी का तेल उसमें डालते हैं, फिर ताकि वो इस्तेमाल के लायक बन जाए, वरना ये ऐसा डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे ना ये इस्तेमाल नहीं होता। माशाल्लाह हमारा बैक साइड पे घर इतना प्यारा लग रहा है। अभी जब रंग संग हो जाएगा ना फिर और प्यारा लगेगा। हाँ तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है, जैसे देसी माहौल नहीं होता बिल्कुल, देसी माहौल नहीं होता बिल्कुल, देसी माहौल ही है। कैसी बातें करती है पता नहीं समीना। अब ये कहाँ पे करना है? ये कहीं पे तो करेंगे, दीवार के ऊपर। ये दीवार बिल्कुल चिट्टी है और वो दीवार बिल्कुल थोड़ी सी कमरे के फ्रंट वाली ना। हाँ वो पीली है, वो यहाँ पे बड़ी थी छुरी, वो किधर है छुरी का मुझे पता नहीं है कहाँ। और हम खेल रहा था देखो चारपाई के ऊपर, जब कोई चीज जरूरत होती है ना वो तब नहीं मिलती। फिर मैं इसको ढूंढ के दूं, ये सारा दिन ढूंढता रहेगा लेकिन इसको छुरी नहीं मिलेगी। आप देख, यहाँ कहीं पड़ी हो तो मुझे भी मिलेगा, मैं उठूंगी तो छुरी जो है वो सामने मैं इसको ढूंढ के दूंगी। इधर इसके अंदर किचन के अंदर देखो, सुबह हम इधर ही खेल रहा था। नहीं वो ऐसे हरकतें करता रहता और इधर उधर फेंकता रहता है।
अजानें भी हो रही हैं असर की। मिल गई वो तो कांटी पड़ी है, कांटी से निकालता हूँ मैं। ये घड़ा नहीं लग रहा ये जैसे वो नहीं होते थे पता नहीं कैसे, वो ग्लोबंद ग्लोब होते थे, ग्लोबंद होते थे वो, हम अक्सर पढ़ते होते थे। वो ग्लोब होता है तो दुनिया का नक्शा होता है ना, वो वैसे बिल्कुल लग रहे ग्लोबंद यार दिमाग ना खपाया करो, चुप करके अपना, और हम के कपड़े ना खराब कर देना उसके ऊपर पेंट गिरा रहे हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि आजकल समीना नए नए नाम ले रही है मेरे सामने जो कि मैंने जिंदगी में नहीं सुने हो। बस कर दो, खुद को बोलने नहीं आता और मेरे ऊपर हंसता है। ग्लोबंद कौन कहता है यार, ग्लोबंद कौन कहता है इसके बाद कौन सा करना है कलर? इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दरबार मड हाउस दरबार शरीफ, तो कलर जो वही लेके आए हो याल से करो आराम से, छट्टे गिरा रहे हो। और हम की कपड़े में लेके आई थी, मैंने कहा अगर इधर घूम रहा है ना तो मैं उसको नहला के कपड़े पहना दूं, तो वो इधर है ही नहीं। कहाँ से नहलाओगी, यहाँ कौन सा नलका लगा हुआ है? नलका है यहाँ पे, अल्लाह देसी 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 जरूर देसी। उस चूल्हे को भी कर देना फिर पेंट, ठीक है? चूल्हे को भी पेंट कर देना ना। इंसान की जिंदगी को ख्वाहिशात कभी खत्म ही नहीं होंगी। अब इसको तो कभी क्या चीज निकाल लेता, कभी क्या चीज निकाल लेता है। यार मैं चूल्हे को कर दूं, आप नहीं कर सकती क्या? अब आप, मैं वीडियो बनाऊं या आपका कलर करूं? अच्छा आप ऐसे करो, मोबाइल को रख दो, उन दो घड़ों के ऊपर ना वो लाल रंग कर दो जो डिस्टम्बर पड़ा है ना हमारे पास, वो नहीं वो सूखा पड़ा है, बुश भी सूखा हुआ है जो गंदा है, बुश नहीं, उसके अंदर पेंट है। आप देखो बुश को देखो, हिलता ही नहीं है खुद। यार आप तो पहले ना कर देती हो, अब मैं क्या कहूँ आपको। उसको आप देखोगे, कल मैंने वहां पे थोड़ा सा ना ये देखें यहाँ पे किया है, वो हो ही नहीं रहा था फिर मैंने रख दिया। इसके अंदर पानी डालोगे तो होगा, इसके अंदर पानी तो है नहीं बिल्कुल, सारा काम अहमद करे भाई, अहमद करे भी सारा काम। तो अहमद किस काम आएगा? इसको दोबारा से कर दिया है ब्लू कलर, ये तेज, ये ना मतलब पक्का रंग है, ये जो हमने ये वाला किया था ना ये कच्चा रंग है, इस ये पानी से साफ हो जाता है बिल्कुल। तो ये हमने ऑयल पेंट किया है, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, या बारिश हो या पानी गिरे इसके ऊपर, ये ऐसे मजबूत रहेगा। तो अब देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इसको भी हमने पेंट करना है अभी, और इनको भी कर दिया है। चूल्हे का वो बना दिया था हमने मेज, इसके ऊपर चूल्हा बनाना है अभी, ऐसे ना चूल्हे का ये मेज बना हुआ है ये देखें। एक सिस्टर कह रही है, कहती है कि समीना का ना तकिया कलाम है, ऐसे ना, ऐसे ना अहमद, ऐसे ना जारी से बात काम कर रहे होते तो बता नहीं सकते कि कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे होता है, तो फिर मैं पूछूं तो आपको जरूर बताना है। यार मेरी बात सुनो, आप बता देती हो ना कि हमने इसको पेंट करना है, फिर आप मुझसे क्यों पूछते हो कि ऐसे ना मैंने, मेरा दिमाग में होता है कि इसको पेंट करेंगे, लेकिन मैं इससे पूछती हूँ कि ये पता नहीं इसका जहन है करना है कि नहीं करना। अच्छा अच्छा का बच्चा तो अभी इसने आप देखें रंग कहाँ पे रखा हुआ, ये गिरेगा फिर ये मेरे सर हो जाएगा, कहेगा तुम ख्याल नहीं कर सकती मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि इस चीज को पेंट करेंगे, फिर आप बता दिया करो कि इसको करना है बस। ठीक है, अगर मैं नहीं भी करूँगा आप ये छोड़ दो, मैं कहती हूँ वो दरवाजे को कर लो, और दरवाजे को पहले अस्तर होगा, बड़े ब्रश के साथ ना अस्तर होगा, अस्तर करने के बाद फिर हम उसको पेंट करेंगे। अच्छा आप बता दिया करो, ये सामने भी कर दो, ये सामने वाली इसके, हाँ यहाँ पे कौन सी, हाँ यहाँ पे किया हुआ है,
मैंने कहा शायद नहीं किया, वो मैंने वहाँ पे नहीं देखा था, ये वाले भी किए हुए हैं। ऐसे कहा करो अहमद, ये कर दो बस। हाँ पूछना करो ऐसे ना अहमद। एक इंसान की जो चीज की आदत होती है ना, वो इंसान रह नहीं सकता। पहले आपकी आदत नहीं थी ये वाली, अभी भी नहीं है। क्योंकि मेरे माइंड में होता है कि ये काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, फिर मैं कहती हूँ पता नहीं ये दिमाग ना घुमा ले कि नहीं ये नहीं करना। बस मैं इस वजह से उससे भी पूछ लेती हूँ कि क्यों करें या ना करें या अच्छा लगेगा। तो हमारी तुरियों के जो है बल जो है वो ऊपर आते जा रहे हैं माशाल्लाह से। तो आज ये हम रात को जाते हैं ना, सुबह आते हैं तो काफ़ी मतलब ये बड़े हुए होते हैं, इतने जल्दी ग्रो हो रहे हैं ये माशाल्लाह से ना, क्योंकि ये ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी है। तो फसलों वाली ये देखें तो काफ़ी जल्दी से ये ग्रो हो रहे हैं। सब्जियों में से रोज़ ही घास निकालें तो फिर ही ढेर हो जाता है, तो ये वाला मैंने सारा घास निकाल के रखा है, काफ़ी सारा दोबारा हो जाता है। अभी एक दिन के लिए जाते हैं छोड़ के, फिर दूसरे दिन आते हैं तो दोबारा से इसमें घास हो जाती है, क्योंकि मौसम है ना ये घास होने का और सब्जियां फूलने फूलने का। तो ये देखें जी, ये इसने बना दिया है, क्या बनाया है, डिजाइन। हाँ ये डिज़ाइन बन गया माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। आज ये गर्मी में गया है भाग के पेंट ले आया है कि मैं ना इस किचन को अपने करूँगा, तो मैं दूर से दिखा रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है। ये गुस्से हो गया है, मैंने इसे कहा है कि अहमद आप पेंट जाया ना करो, यहाँ पे ना करो, तो ये मुझसे नाराज हो गया है। नीचे और कलर करेगा, ऊपर ये है, ये जो है ये वाला कलर है, ये वाला दूसरा महंगा नहीं है ज्यादा, ये कच्चा कलर है, तो वो वहां पे जो ईंटों पे किया है ना ये वाला पक्का कलर है ये वाला। और यहाँ पे भी कर दिया है और इधर भी कर दिया है। हमारा ना एक कलर था लाल रंग का था कलर, डब्बी छोटी थी वो अब मिल नहीं रही, तो यहाँ पे भी कर दिया। यहाँ पे ना वो हमने लाल कलर करना था इस साइड पे और इस साइड पे, तो वो अब पता नहीं कहाँ है, घर जाके मैं ढूंढती हूँ वो किधर है, क्योंकि यार हम खेलते रहते हैं ना फिर उधर उधर फेंक देता है, इस वजह से ना फिर वो मिली नहीं है। ढूंढ तो रहे थे काफ़ी देर से, हम सोच रहे थे कि चलो वो भी साथ लेके चलते हैं और उसी के साथ भी कर लेंगे, बना लेंगे, पेंट कर लेंगे, लेकिन वो नहीं मिली। तो फिर हमने सोचा कि चले अभी फ़िलहाल के लिए ये कलर ले आए हैं इस डब्बे से, ये भी है वाइट कलर, ये भी करेगा अहमद, और इसके अलावा ये भी कलर हैं सारे, नीला कलर भी बहुत प्यारा है, ये जो किया हुआ है ये वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए पिलर जो है ना इसके माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और जो दरमियान से ईंटें छोड़ दी हैं इनको भी करेगा, इनको ना हमने लाल रंग करना है, तो वो भी जब मिलेगी ना डब्बी वाला रंग तो फिर यहाँ पे हम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मैंने जो है इस दरवाजे को भी पेंट कर दिया है, ये पानी वाला पेंट होता है, मैंने इसको वो किया है, और सीढ़ियों को भी और इधर भी मैंने पेंट मार दिया है। तो फिलहाल मैंने इसको आरजी पेंट किया है, मतलब जो हल्का हल्का सा होता है ना वो, तो इसके ऊपर फिर हम एक और जो ऑयल पेंट होता है ना वो करेंगे। दरवाजे को हम जो पट्टियाँ हैं ना उसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे, बाकी जो है छोड़ देंगे। तो अभी जो है इधर हमें इसको पेंट किया है किचन को, अभी देखें इधर जो है हमने जो है इसको भी पेंट कर दिया, और उधर भी ना उस साइड पे भी हमने पेंट किया है। मैंने कहा चलो पेंट मैंने बनाया हुआ था, ये वाटर कलर है, ऑयल पेंट नहीं है। ये 100 रुपए की पूड़ी मिली है मुझे, जिसको मैंने पानी के अंदर मिक्स किया है और मैंने इसको पेंट करना शुरू कर दिया। मतलब ये बहुत ही सस्ती है और इसको करना बनाना भी इजी होता है, पानी के अंदर मिक्स करके फिर लगा दें। जो ऑयल पेंट होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, तो वो मैंने अभी रख दिया है, क्योंकि अभी हमारे पास रेड पेंट नहीं है। रेड पेंट जो लगेगा ना इसके ऊपर तो फिर इसकी फुल डेकोरेशन जो है हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो लगाएंगे सुबह। अभी शाम भी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैंने कहा चलो हाथ मुँह धोते हैं
और सामान जो है दोबारा क्लोज करते हैं और फिर इसको सेफ रखते हैं, क्योंकि बच्चे वगैरह आते हैं ना यहाँ पे, सामान वगैरह गिरा देते हैं और फिर रंग जो है सारा हमारा गिर जाता है। तो दरवाजे की लुक चेक करें हमारी कैसे लग रही है, इसके ऊपर अभी हमने रेड कलर जो है लगाना है, जो ऊपर ऊपर वाली पट्टी है ना ये वाली, इसके ऊपर रेड लगाना है, जो दरमियान में सफ़ेद पीस बच गए हैं इसके ऊपर भी हमने रेड लगाना है, और जो वो दो घड़े पड़े हैं ना उनको भी हमने रेड करना है, और वो जो किंगरी है ना ऐसे ऐसे बनी हुई उसको भी हमने रेड करना है, तब जो है इसकी फुल मतलब एक उठाव जो होता है ना, फुल सजावट का जो उठाव होता है वो आ जाएगा। तो इधर भी हमने जो है ना थोड़ा सा करना है रंग, इसके अंदर भी पीस बचे हुए हैं जो कि हमने रेड करने हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगा हमारा किचन। तो इधर भी हमने टच देने हैं रेड कलर के, इस पट्टी को ना, ये जो बॉर्डर है ना इसको हमने रेड करना है, इसको यहाँ पे येलो हो गया, इधर जो है ना रेड करना है हमने, और इधर इसको भी हमने रेड करना है, इस पट्टी को और इस पट्टी को, और इसी के साथ फिर मैचिंग में वो घड़े हो जाएंगे, फिर मैचिंग में वो जो किंगरी है वो हो जाएगी, फिर मैचिंग में ये पीस और ये टुकड़े जो है ना वो हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरीन बन जाएगा। कैसा लग रहा है भाई नियाज? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मैंने कहा कहता है बिल्कुल ख़राब लग रहा है जिस स्टाइल से इसने कहा ना बिल्कुल, मैंने कहता ख़राब लग रहा है, तो शुक्र इसने अच्छा कह दिया। चलें जी प्यारे बहन भाई, अभी ये था हमारा काम आज का, अभी इस व्लॉग का एंड करते हैं जी, मिलेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़, खुशियाँ आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन।